आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताने वाले हैं SSC CGL टायर 1 की परीक्षा 4 जून से, इसी से संबंधित पूरी न्यूज आप लोग को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने CGL 2018 की परीक्षा तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 4 जून से शुरू होगी, यह 4, 6, 7 और जो है 10-13 जून तक होगी। तो बात करेंगे, परीक्षा 3 शिफ्टों में कंप्यूटर बेस्ड पर होगी। परीक्षा जो है सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक होगी और 1 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक होगी और 4 बजे से लेके 5 बजे तक शाम तक होगी परीक्षा। ये 3 शिफ्टों में जहाँ पे परीक्षा ली जाएगी। बात करेंगे, बिहार के 6 शहरों में परीक्षा होनी है, जिसमें आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और जो है पूर्णिया शामिल रहेंगे। बात करेंगे, आरा में एक केंद्र में जो है 2,593 स्टूडेंट जो है शामिल होंगे। उसी तरह यहाँ पे देख पाएंगे, भागलपुर के केंद्र में जो है 9,641 और दरभंगा में एक केंद्र में जो है 9,641, मुजफ्फरपुर में जो है 3 केंद्र में जो है बात करेंगे 22,965 स्टूडेंट यहाँ पे शामिल होंगे। पटना में 22 केंद्र पर जो है 1,52,888 और पूर्णिया में जो है 2 केंद्र में 13,271 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रत्याशी परीक्षा शुरू होने के 7 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले शुरू होगी। अब बात करेंगे, परीक्षा शुरू होने के 1/2 घंटे पहले ही प्रवेश पत्र बंद कर दिया जाएगा। CGL के लिए 26,10,451 आवेदन आए हैं। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश से 16,384 आवेदन आए हैं। गौरतलब है कि SSC ने अभी तक CGL की रिक्तियां घोषित नहीं की है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी जो है जिन लोगों ने भी अभी SSC CGL 2018 के लिए अप्लाई किए थे, अभी 4 जून से परीक्षा होनी है। पूरी डिटेल्स आप लोग को बता दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही बताना था, इतना ही अपडेट देना था, इतना ही न्यूज़ देना था। इसकी के रिगार्डिंग और भी अगर न्यूज़ निकल के आती है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।